Bismillahirrahmanirrahim, an Institute of Technology and Textile, 26 December 2020. Subject है 8364B, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 4 है. और तरतीब से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चल रहा हूँ. स्पीड चैप्टर टॉपिक है वो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर. डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना यूजिंग इस्तेमाल करते हुए 2 SER, 2 SER एंड 2 डायोड और 2 डायोड. उसके बाद मेरे पास उसका एक सर्किट है जिसमें मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ. मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि AC 220 वोल्ट पर काम करता है और ये सिंगल फेज है, ठीक है. और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. याद रखिएगा स्टेप डाउन हम DC के लिए करते हैं 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 72 वोल्ट, किसी भी रेशो में हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के मुताबिक उसे क्या करते हैं स्टेप डाउन करते हैं. उसके बाद मेरे पास ये 2 ब्रिज लगे हुए हैं. ऊपर वाला जो ब्रिज है वो 2 SER यानी कि 2 थायरिस्टर. टी से मतलब थायरिस्टर समझिएगा, ट्रांजिस्टर हरगिज नहीं. थायरिस्टर T1 T2, 2 डायोड T1 T2, एक अलग फ्री व्हीलिंग या फ्लाई व्हील डायोड इस्तेमाल की गई है. आर्मेचर है और आर्मेचर की रेजिस्टेंस RA है और उसकी लीकेज रिएक्टेंस या इंडक्टेंस XL है. अब मेरे पास नीचे वाले ब्रिज में डायोड है 4 जो कि D1 D2 D3 D4 के नाम से मिलता थी, मैंने नाम मेंशन किए हैं. आर्मेचर और यह है फील्ड, ठीक है. अब इसमें मेरे पास ये तरीका कर जोन सा है, ये आर्मेचर कंट्रोल्ड है. क्यों आर्मेचर कंट्रोल्ड है? इसमें आर्मेचर सर्किट के अंदर 2 SER मौजूद हैं जिसकी मदद से हम मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं. जो डायोड है वो ओनली रेक्टिफिकेशन का काम करती है और डायोड हरगिज कंट्रोलिंग का काम है नहीं करती. तो पहले अल्फा ये है, हम इसको 90 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं. क्यों 90 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं? देखिए जी, हमारे पास एक पूरा 180 डिग्री का हाफ साइकिल है. इसमें इतने हिस्से में थायरिस्टर T1 है और यहाँ पर डायोड D2 है. थायरिस्टर को अगर हम डिले हैंडल देंगे नहीं देंगे उसे कंट्रोल किया जा सकता है. डायोड पर कोई डिले हैंडल मौजूद नहीं, डायोड में खुद ब खुद कंडक्ट है कर जाना. तो इस मुकाम पर T1 और इस मुकाम पर D2, इसी तरह इस मुकाम पर T2 और इस मुकाम पर D1, फिर दोबारा रिपीटेड T1 एंड D2, फिर नेक्स्ट रिपीटेड T2 एंड D1. तो हमने फर्स्ट मुस्कल साइकिल के दौरान ये कंडक्ट करेंगे और SER को थायरिस्टर को डिले एंगल अल्फा गुजरने के बाद ट्रिगर पल्स देंगे. SER कंडक्ट करेगा, सप्लाई आर्मेचर से गुजरकर D2 और नेगेटिव पॉइंट पर आके क्या होगी, इख्तिताम पजीर होगी. जब यह ब्रिज कंडक्ट कर रहा होगा तो डायोड FD रिवर्स वाइज, और जब ये ब्रिज फॉरवर्ड वाइज से रिवर्स वाइज और ये रिवर्स से फॉरवर्ड में तब्दील होगा तो उस लम्हाती लम्हे के दौरान ये डायोड फॉरवर्ड वाइज होगी यानी कि कंडक्ट करेगी, ठीक है. तो इसी तरह मनफी साइकिल आएगा, तो ये दोनों जो पहले फॉरवर्ड थे ये रिवर्स और अब ये दोनों फॉरवर्ड. सप्लाई इस तरह इस रास्ते से अपना सर्कल मुकम्मल करेगी. देख ले T2 एंड D1, ये मेरे पास आर्मेचर करंट IA का ग्राफ है, ये मेरे पास EA आर्मेचर EMF का ग्राफ है और लास्ट पे मैंने I लाइन यानी कि लाइन का करंट का ग्राफ दिखाया है कि करंट किन किन मकामात पर पहुंचता. तो इसमें हम मोटर की स्पीड को 50% तक कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आर्मेचर सर्किट. 50% तक क्यों? एक SER और एक डायोड है सर्किट के अंदर. अगर दोनों के दोनों SER के जोड़े फॉरवर्ड या रिवर्स होते हैं तो फिर हम स्पीड को 100% तक क्या कर सकते थे, कंट्रोल है कर सकते थे. इसका मतलब कि हम आधी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, आधी स्पीड कंट्रोल है नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर आपके पास एक 1500 RPM की मोटर
हम उसकी स्पीड तो मिनिमम 750 तक लेके आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते, जबकि फील्ड के लिहाज से फिक्स्ड वोल्टेज है, फील्ड पर कोई SCR मौजूद नहीं है, फील्ड पर डायोड है, डायोड सिर्फ रेक्टिफिकेशन का काम करेंगे और DC सप्लाई मोटर की फील्ड को फ्राहम करेंगे, इसलिए फील्ड पर फिक्स्ड वोल्टेज और आर्मेचर वेरिएबल वोल्टेज पर मुश्तमिल सर्किट है। थैंक यू जी, इतना ही आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।